शीट नंबर 41 के अंदर पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसमें सिर्फ फॉर्मूला ही पुट करना है। करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर ऑफ लेंथ गिवन, 1 एम्पियर का करंट है, लेंथ की वैल्यू 0.1 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.5 टेस्ला, और फोर्स आपको निकालनी है जब वायर ने एंगल 90 डिग्री बनाया मैग्नेटिक फील्ड के साथ। वायर का मतलब लेंथ ने एंगल बी के साथ बनाया 90। तो पहला फॉर्मूला बी आई एल साइन 90, और दूसरा फॉर्मूला दूसरे केस में एंगल क्या बन रहा है, साइन 0, एक में 90 एक में 0। आंसर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो लेंथ में और बी में एंगल 90 है, लेंथ और बी में एंगल 0 है, यहां से सॉल्व कर लेना। उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर गिवन है करंट 5 एम्पियर इज फ्लोइंग अपवर्ड्स इन अ लॉन्ग वर्टिकल वायर प्लेस इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये 5 एम्पियर का करंट है और ये अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स ये होता है, एंड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल नॉर्थ फील्ड। हॉरिजॉन्टल का मतलब है नॉर्थ साउथ ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है। तो मैंने नॉर्थ यहां ले लिया, साउथ यहां ले लिया, और ये वायर वर्टिकल ले ली। अब मुझे पता है वायर की लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, और बी की वैल्यू है कितनी, 0.02 टेस्ला। तो बी में और लेंथ में एंगल कितना है, 90। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी आई एल साइन 90। डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कहां पर है, नॉर्थ की तरफ, करंट कहां पर है, ऊपर की तरफ। तो ये थंब कहां जाएगा, बोर्ड के इनसाइड, बी ये रहा, करंट ऊपर है, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर वेस्ट दिख रहा है कि ईस्ट दिख रहा है, वेस्ट कि ईस्ट, इंडिया का मैप रख के देख लो, वो नॉर्थ है, ये ईस्ट है, वो वेस्ट है, और ये ईस्ट है। तो हम इनवर्ड बोल रहे हैं तो वेस्ट ही आएगा, वेस्ट आएगा, देखो ना वेस्ट अंदर दिखेगा आपको, नक्शा ऐसे बना लो ना, तो वेस्ट और ईस्ट ऐसे दिखेगा, ठीक है। और कोई तरीका ही नहीं है देखने का यार, ऐसे कैसे वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट दिखेगा। तो आप नक्शा रख लो अपने मन में, देखो जरा, ईस्ट वेस्ट दिखना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द वायर ऑफ लेंथ गिवन है, सोलेनोइड के अंदर है, मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस। अब सोलेनोइड का जो एक्सिस है उसके साथ वायर ने एंगल क्या बनाया, 30। सोलेनोइड का एक्सिस का मतलब बी वेक्टर है, तो बी और वायर के बीच में एंगल क्या है, 30। करंट आपको गिवन है और बी आपको गिवन है, तो बी आई एल साइन ऑफ क्या लेंगे यहां पर, 30। बी एल साइन 30 आंसर। तो क्योंकि सोलेनोइड का एक्सिस बी जो होगा सोलेनोइड के एक्सिस की तरफ होगा, और वायर ने एक्सिस के साथ एंगल 30 बनाया, तो वायर में करंट है, तो वायर में करंट है तो लेंथ और बी में एंगल 30। तो यहां से आंसर आएगा, सारी गेम एंगल की है। जैसे लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है पी कैरिंग 2 एम्पियर पैरेलल टू अ शॉर्ट कंडक्टर, ये देखो एक लॉन्ग कंडक्टर इनफाइनाइट है, 2 एम्पियर है, और एक शॉर्ट कंडक्टर है क्यू, ये पी है और ये क्यू है, ठीक, एक पी तो इसमें 2 एम्पियर करंट है, ये पी है और ये शॉर्ट है क्यू। पर क्यू में ना मेरे को ये गिवन नहीं है कि करंट कहां पर है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, पता नहीं कहां पर है। अब वो कह रहा है कि ये जो क्यू है उसकी लेंथ आपको पता है, इसकी लेंथ 0.05 मीटर है, ये आपको क्वेश्चन में उसने दे दिया आगे, और करंट भी दे दिया 3 एम्पियर करंट है, और ये डिस्टेंस भी दे दिया 0.10 मीटर अपार्ट है। क्या निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, बी, पी ने क्यू पे क्या लगाया, तो पी ने क्यू पे बी क्या लगाया वो निकाल लेते हैं। इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 इंटू करंट कितने, 2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितने, 0. आंसर, ये आंसर आ गया, बी का इनफाइनाइट का फॉर्मूला लग गया। अब आपको और क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन क्यू। दो तरीके हैं, आप बी इसका यूज कर लें, करंट इसका खुद का है और लेंथ भी है, और क्योंकि इसमें करंट ऊपर है तो ये बोर्ड के अंदर होगा, तो बी कैसे है, बोर्ड के इनसाइड है, तो इस लेंथ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, बी आई एल साइन 90। तो बी हमारे पास है, करंट 3 एम्पियर है, लेंथ हमारे पास है
यहाँ से सॉल्व करके फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है यहाँ तक। और फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी बोर्ड के अंदर है, बोर्ड के अंदर है, करंट कहाँ पर है, ऊपर है, तो फोर्स कहाँ आएगी, इनवर्ड। पर मैं क्यों लगा रहा हूँ ये रूल, व्हेन करंट्स आर कैरिंग इन सेम डायरेक्शन तो वायर विल अट्रैक्ट, तो लगाने की जरूरत क्या है, वैसी अट्रैक्शन है, शॉर्टकट ही मार दो। देखो दो पैरल वायर में तो फ्लेमिंग को तंग करने की जरूरत ही नहीं है, पैरल वायर तो खुद ही बता देती है, अगर सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्शन है, अगर ऑपोजिट है तो रिपल्शन है, फ्लेमिंग क्या करेगा उसमें। तो फ्लेमिंग तो सिंगल वायर में ठीक रहता है, सिंगल वायर है उसमें अगर फोर्स निकालनी है तो फ्लेमिंग का रूल लगाना पड़ेगा, डबल वायर में लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट लगाएंगे। कोई डाउट इसमें? तो इसमें फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में डाउट जिन्होंने किया, वैसे बता देता हूँ एक लाइन और सच फिफ्थ में, वो कह रहा है स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ पता है, करंट पता है, और राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 है, और बी भी पता है, तो बिना देखे बता सकता हूँ फोर्स का फॉर्मूला BIL साइन 90। आपको इसमें ये भी बता रहा है कि ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 15, तो आपको क्या बतानी है, आपको पावर रिक्वायरमेंट बतानी है। मैं बता देता हूँ, पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स तुम निकाल लोगे BIL साइन 90 से, वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी क्या देगी आपको, पावर की वैल्यू देगी, आंसर आ गया। तो एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। पावर का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा इसमें, अगर पूछ लिया तो, जैसे इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक वायर ए बी, कितनों का हो गया ये क्वेश्चन, देखो एक वायर है ए बी, ये ए बी वायर है, ये ए बी वायर है, इसमें आई करंट है, ठीक है हो गया, ठीक है ए बी वायर है और इसमें आई करंट है, और वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, तो मैं बना लेता हूँ ये हॉरिजॉन्टल है, इस वायर ने इस लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, और हॉरिजॉन्टल में मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल में है, और बी की वैल्यू कितनी है, 0.65 टेस्ला है, तो टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी वायर है, और ये हवा में स्टेशनरी है, ये रेस्ट पे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने इसको कैसे किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है, सपोर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बांध नहीं रखा, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ने हवा में इसको स्टेशनरी रखा हुआ है, तो क्योंकि इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मुझे एक फोर्स चाहिए जो ऊपर की तरफ काम करे, वो मैग्नेटिक फोर्स होगी, और अगर ये दो फोर्सेस आपस में इक्वेट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, और मेरे को निकालना क्या है, मेरे को बताना है फाइंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो पॉइंट नंबर वन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये सही नहीं बना हुआ, बी बी यहाँ नहीं है, बी हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है, तो ये मेरा करंट है, ये बी है, ठीक है यहाँ तक। इसके अंदर रादर बी कहाँ पर है, डायरेक्ट, अच्छा सॉरी, नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, सॉरी बी तो यहाँ पर, नॉर्मली इनटू द प्लेन का मतलब बी वेक्टर क्रॉस करो प्लीज, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल नहीं है, बी वेक्टर कहाँ पर है, नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो बी वेक्टर तो बोर्ड के अंदर कर दो, बी वेक्टर दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये वायर टेढ़ी है, इस टेढ़ी वायर पे फोर्स लगेगी मैग्नेटिक, कितनी लगेगी, बी आई एल साइन कितना, 30 की 90 क्यों, क्योंकि लेंथ और बी के बीच में एंगल है, तो 90 लगेगा बिल्कुल, क्योंकि बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, 30 बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपको थीटा थर्ट एंगल क्या लेना होता है, लेंथ में और बी में, लेंथ तो ये रही और बी वेक्टर बोर्ड के इनसाइड है, तो 30 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, बी वेक्टर तो क्रॉस है, बोर्ड के अंदर है, और बी वेक्टर और इस लेंथ में एंगल 90 है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला लगेगा इसमें, इस वायर पे जो फोर्स लगेगी वो इतनी ही लगेगी, साइन 90 के हिसाब से लगेगी, ठीक है। 30 डिग्री क्यों मैं बताता हूँ, तो ये फोर्स की वैल्यू है, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लगेगी, फ्लेमिंग का रूल लगाते हैं, बी वेक्टर कैसे है, बोर्ड के अंदर है, वायर टेढ़ी है, तो ये सेंट्रल फिंगर टेढ़ी जाएगी, फोर्स कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, करंट वायर के साथ है, फोर्स कहाँ आएगी, ऐसे परपेंडिकुलर टू दी वायर आएगी, फ्लेमिंग के रूल से, राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड, ठीक है लगा लो पावर रूल, तो इसमें स्क्रू रूल लगाओ, तो इसमें मैं फ्लेमिंग लगा रहा हूँ, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, करंट यहाँ और फोर्स यहाँ, सही है यहाँ तक, तो फोर्स वेक्टर आ गई। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसका जो वायर का वेट है वो कहाँ पर है, वर्टिकली
डाउनवर्ड, तो मुझे फोर्स एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट चाहिए, मेरी फोर्स तो इस वायर के परपेंडिकुलर यहां पर है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा इसका कॉम्पोनेंट। तुम देखो ना ये 30, तो ये 60, तो ये 30 हो जाएगा, तो आपको वायर का एक कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा एफ कॉस 30। तो यहां पे एफ की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं, बी आई एल, और अगर आप चाहते हैं ये रेस्ट पे रहे तो ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स। तुम्हें क्या निकालना है, मास अपॉन लेंथ निकालना है। तुम एफ की वैल्यू को पहले यहां पुट करो, बी आई एल कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू एम जी, तो तुम एम और एल एक तरफ रखो तो आपके पास आंसर आएगा बी आई कॉस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बी पता है, आपको क्वेश्चन में आई पता है, आपको क्वेश्चन में जी पता है, यहां से मास अपॉन लेंथ की वैल्यू आएगी। लेकिन आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में करना क्या है, आपका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। प्रॉब्लम ये है कि उसने जानबूझ के वायर को टेढ़ी की ताकि फोर्स टेढ़ी लगे, ताकि तुम फोर्स का कॉम्पोनेंट लो वर्टिकल और वेट को क्या कर जाए कैंसिल। तो स्टेप समझ में आया क्या करना है इसमें, ठीक है। आंख बंद करके ये नहीं कर सकते बी एल साइन 30 इक्वल टू एम जी, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया तो तुक्का तो मारना ही था, बी एल साइन 30 इक्वल टू एम जी हो गया, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्या है। सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन्थ जिन्होंने किया, कोई डाउट सिंपल है तो, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एट भी सिंपल है, डाउट है तो पूछ सकते हो, मतलब मुझे लग रहा है कि इसका फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है। और नाइन हुआ जिन्होंने किया, नाइन्थ हो गया। टेंथ वैसे हमने कर लिया था, फिर भी कोई डाउट है तो, डायरेक्शन ना थोड़ी अजीब सी लिखी हुई है, फ्लेमिंग का रूल लगाएंगे, इसमें करंट कहाँ पर है, इधर है, बी इधर है, बोर्ड के अंदर है, करंट राइट है, तो फोर्स कहाँ पर है, ऊपर है, उसने लिखा हुआ है टुवर्ड इनसाइड द लूप, मतलब वो कहना चाह रहा है कि इसके अंदर की तरफ ऊपर है, तुम ऊपर लिख दो अपवर्ड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की तरफ है फोर्स। यहां तक क्लियर है, और कोई क्वेश्चन, ये हमने कर लिया था, ये हो गया था। जो नेक्स्ट है 41 के बाद, फोर्स पर यूनिट लेंथ की प्रॉब्लम्स हैं, ये तो पक्का पेपर में आनी ही है सीबीएसई, मैं बता रहा हूँ आपको, अगले टेस्ट के अंदर दो प्रॉब्लम तो पक्का दूंगा इसमें से, 101% आएगी पेपर में। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रिजिडली सपोर्टेड वायर कैरीज अ करंट ऑफ 100 एम्पियर, तो 42 नंबर शीट है, तो 100 एम्पियर का करंट है, ये लो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर बनाने जा रहा हूँ, ये लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर है, 100 एम्पियर का करंट है। डायरेक्टली अबव इसके ऊपर एक और वायर है जिसमें 200 एम्पियर का करंट है, और जिसका वेट 0.05 न्यूटन पर मीटर है। ध्यान से, वेट नहीं है, वेट अपॉन लेंथ है। हाउ फार, ये भी अभी क्वेश्चन किया भी हमने, कितना दूर हम इस वायर को रखें ताकि रेस्ट पे रहे, अभी भी किया था कि मैं ये चाहूंगा अगर ये करंट इधर है तो ये करंट इधर हो, ताकि ये वायर इस वायर को क्या कर सके, रिपेल। तो मैंने क्या कहा था कि मैं तो ये चाहता हूं कि जो फोर्स है वो वेट के इक्वल हो जाए, पर अगर तुम इसको लेंथ से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेट पर यूनिट लेंथ। तो आपको ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 0.05 न्यूटन पर मीटर, और फोर्स बाय लेंथ का फॉर्मूला सबको पता है, तो यहां से पुट कर लेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 0.05। सॉल्व करके R की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, सेम क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, फोर्स की वैल्यू वेट के इक्वल कर देनी है, दोनों साइड को लेंथ से डिवाइड कर देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं पैरेलल वायर्स हैं तो फोर्स अपॉन लेंथ का फॉर्मूला यहां लगेगा। कोई डाउट इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, वायर ए बी इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 12 एम्पियर इज लाइंग ऑन अ टेबल, तो ये 12 एम्पियर है और टेबल के ऊपर वायर पड़ी हुई है,
एक और वायर 5 एम्पियर डायरेक्टली अबव ए बी, एक और वायर है जिसमें करंट कितना है 5 एम्पियर है, डिस्टेंस आपको पता है 1 mm है, ये लो ये आपको आर पता है। फाइंड मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका मुझे क्या निकालना है, मास पर यूनिट लेंथ निकालना है, सो दैट वायर सस्पेंडेड ये हवा में किस पे रहे, एट रेस्ट पे रहे। तो हमने क्या किया था अभी, अभी यही डिस्कशन की थी कि अगर ये हवा में सस्पेंडेड रहे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू जी वेट पर यूनिट लेंथ। अब ये किया था ना, इसका वेट क्या है, जी भी करना पड़ेगा, वेट बाय लेंथ, तो वेट बाय लेंथ फोर्स बाय लेंथ। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है, ये वैल्यू मैं फॉर्मूले से पुट कर लूँगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 × I1 × I2 डिवाइडेड बाई आर, में सब कुछ गिवन है, इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू जी। तो क्योंकि मेरे को ये निकालना है, सारी वैल्यूज गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम बाई एल आ जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की कॉपी है ये, फर्क ये है कि उसमें आर निकालना था, इसमें आर गिवन है। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। उसी क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीकों से पूछा जा रहा है, जैसे ये वायर है तो इसमें 3 तारे हैं, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, आपको इसमें ये बताना है कि सी के ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगी, ये क्वेश्चन है। अब तुम्हें ये 20 सेंटीमीटर गिवन है और ए और बी में 10 एम्पियर और 20 एम्पियर करंट गिवन है और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, थर्ड वायर सी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी पता है 15 सेंटीमीटर की लंबाई है, तो आपको क्या निकालना है, हैविंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो मैं इसका 10 एम्पियर करंट भी पता है, फोर्स निकालनी है सी पे, मैंने ये नहीं कहा फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, मैंने कहा फोर्स निकालनी है, सी पे फोर्स कौन लगाएगा, आस पड़ोस की वायर लगाएगी। तो सबसे पहले ए सी को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट विद अ फोर्स ऑफ F1। तो F1 फोर्स कितनी लंबाई पे लगी, 15 सेंटीमीटर पे लगी, ये लो, और फोर्स अपॉन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 × इसका करंट 10 है, सी का करंट भी 10 है और इनमें दूरी पीस का आधा 10 सेंटीमीटर है, ऐसे। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको राइट साइड पे ले जाना, फोर्स आ जाएगी। तो पहला आंसर आ गया फोर्स का, ठीक है ना, दो पैरल वायर्स हैं तो ये वायर इसे अट्रैक्ट करेगी, ये फोर्स 15 सेंटीमीटर पर लगेगी, फोर्स अपॉन 15 इस फोर्स पर यूनिट लेंथ। फिर सेकेंड वायर जो है, राइट वाली वायर क्या है, करंट ऊपर है, ये वायर इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी सेम डायरेक्शन में, और ये फोर्स भी 15 सेंटीमीटर लंबाई पे लगेगी, 15 × 10^-2, और फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला 2 × 20 × 10 / ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोर्स की। बस अब तुम्हें ये देखना है कौन सी फोर्स बड़ी है कौन सी छोटी है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा, तो अगर 3 पैरल वायर चल रही होंगी तो कैसे जो आस पड़ोस की वायर्स है वो एक वायर पे कैसे फोर्स लगाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही था, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्टिव है और अगर ऑपोजिट है तो रिपल्सिव है, पहला काम तो यही करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर पाए तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्शन बना नहीं पाएंगे कि फोर्स की डायरेक्शंस क्या होंगे। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमने अभी किया वैसे ही है, फिर से बता देता हूं, इसके अंदर ये ना करेक्शन है, लेंथ AD इज इक्वल टू BC है, ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, आपको ये बताना है m मीटर 10 एम्पियर है तो आधा कितना जाएगा 5 एम्पियर और आधा कितना जाएगा 5 एम्पियर, ये केस बनेगा। आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ बतानी है इनमें क्या होगी, तो हो ही जाएगा। अब तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 × 5 × 5 / 1 सेंटीमीटर, निकाल लेना आंसर, फोर्स ही निकालनी, फोर्स अपॉन लेंथ निकालनी, आंसर। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे क्या लॉजिक लगेगा, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो पैरल वायर्स हैं, करंट डिवाइड कर देना है, F बाय L की रेशियो ले लेनी है,
यहाँ से आंसर आएगा। आज ही हमने किया, आज आते ही एक प्रॉब्लम करवाई थी सॉल्व, 5/2 का रेक्टेंगल है तो पहले ये इस पर फोर्स लगाएगा, फिर ये लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। हैंड रिटन शीट की प्रॉब्लम है सेम, यहीं से ली थी मैंने वो, सेम प्रॉब्लम है, बस डायग्राम थोड़ा वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये वायर इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये वायर इसे क्या करेगी, रिपेल। तो ओवरऑल ये क्या होगा, अट्रैक्टिव। तो पहले तुम इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकालोगे, फिर इसकी वजह से यहाँ पे निकालोगे, और फिर अट्रैक्टिव। एक बात तो पक्की है, 2-3 बार क्वेश्चन कर लिया रेक्टेंगल वाला, ये तो पक्का पेपर में आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो करके आना ही अच्छे से, मतलब इतनी रिपीटेटिव है तो कुछ तो बात है ही है, जो बार बार यही आई जा रहा है, तो मैं भी तो दूंगा ना, ठीक है, तो करा ना, कोई बात नहीं। नंबर काटने के लिए थोड़ा ना बता रहा हूँ, नंबर देने के लिए बता रहा हूँ, ताकि मोटिव तो एकदम करके आओ।